दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई पटाखे के घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले किसी गांव में सपना नाम की एक गरीब लड़की अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। सपना बबीता नाम की एक औरत यहाँ काम करती थी। बबीता बहुत ही लालची और बेईमान किस्म की औरत थी। बबीता हमेशा सपना से ज्यादा काम करवा कर उसे बहुत ही कम पैसे दिया करती थी। फिर एक दिन काम करते करते सपना बहुत थक जाती है और थोड़ी देर के लिए एक कोने में बैठकर सुस्ताने लगती है। तभी सपना को आराम करते हुए देख बबीता का खून खौल उठता है और वो सपना की छोटी पकड़कर उसके डंडे से खूब पिटाई करने लगती है। क्यों है सपना की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई आराम करने की? तू तो एक नंबर की कामचोर है, निकम्मी नालायक कहीं की। मैं तुझे काम करने के लिए पैसे देती हूँ, आराम करने के लिए नहीं। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मैं सुबह से काम करके बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए थोड़ी देर आराम कर रही थी। मेहरबानी करके मुझ पर दया कीजिए, आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। देख, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। मैं अभी अपनी सहेली के यहाँ किटी पार्टी में जा रही हूँ। मेरे वापस आने तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझ गई ना? चल जाकर काम कर। इस तरह बबीता हमेशा सपना की मजबूरी का फायदा उठाकर उस पर बहुत अत्याचार किया करती थी। फिर एक दिन अचानक सपना की माँ बुरी तरह से बीमार पड़ जाती है। सपना के पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो बबीता से कुछ पैसे उधार मांगती है। लेकिन बबीता सपना को पैसे देने से साफ इनकार कर देती है। दूसरी तरफ सपना अपने गांव के लोगों से भी मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी गांव वाला सपना की मदद के लिए आगे नहीं आता। देखते ही देखते सपना की माँ की तबीयत बुरी तरह बिगड़ जाती है और उनकी जान पर बनाती है। अपनी माँ की ऐसी बुरी हालत देखकर सपना को बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सपना के घर के पास से गुजर रहा एक बंदर उसे देख लेता है। वो बंदर बहुत ही दयालु था, इसलिए वो फौरन सपना के पास पहुंचकर उसके रोने का कारण पूछने लगता है। सपना बंदर को अपने घर के हालात के बारे में सब कुछ बता देती है। मेरी माँ बुरी तरह से बीमार है, उनके इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। दूसरी तरफ कोई भी मेरी मदद भी नहीं कर रहा है। अगर मैंने वक्त पर अपनी माँ का इलाज नहीं करवाया तो इनकी जान भी जा सकती है। तुम चिंता मत करो, पास वाले जंगल में एक नताशा नाम की बहुत ही दयालु परी रहती हैं। वो सबकी मदद करती हैं और वो तुम्हारी मदद भी जरूर करेंगी। मैं अभी तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। उसके बाद बंदर सपना को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और दौड़ता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। थोड़ी ही देर में बंदर जंगल में पहुँच जाता है और नताशा परी को आवाज देने लगता है। नताशा परी, नताशा परी, कहाँ हो आप? जल्दी यहाँ आओ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। फिर अगले ही पल नताशा परी अपने जादू से वहाँ पर प्रकट हो जाती है। बंदर नताशा परी को सपना की दुख भरी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुम इस लड़की को यहाँ लेकर आ गए। अब मैं इस लड़की के सारे दुख दूर कर दूंगी। उसके बाद नताशा परी अपने जादू से वहाँ पर एक बड़ा सा जादुई पटाखा प्रकट कर देती है। सुनो सपना, ये एक जादुई पटाखा है, तुम इसे लेकर अपने गांव चली जाओ। ये जादुई पटाखा वहाँ पर एक घर के रूप में बदल जाएगा।
और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। नताशा परी का व्यवहार देखकर सपना बहुत खुश होती है और बोलती है, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। कोई बात नहीं सपना, ये तो मेरा फर्ज था। चलो अब तुम इस जादुई पटाखे के ऊपर बैठ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाएगा। नताशा परी के इतना कहते ही सपना जादुई पटाखे के ऊपर बैठ जाती है और अगले ही पल जादुई पटाखा हवा में उड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में सपना के गांव में पहुंच जाता है। फिर जमीन पर उतरते ही वो जादुई पटाखा एक सुंदर से जादुई पटाखों के घर में बदल जाता है। उस पटाखों के घर को देखकर सपना बहुत खुश होती है। उसके बाद सपना अपनी माँ को लेकर उस घर के अंदर चली जाती है। तभी घर के अंदर रखा एक कलश हवा में उड़ता हुआ सपना की माँ के ऊपर आ जाता है और उस कलश के अंदर से ढेर सारा जादुई जल सपना की माँ के ऊपर गिरने लगता है। उस जादुई जल की वजह से सपना की माँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बेटी, ये जादुई पटाखों से बना घर तो बहुत ही कमाल का है। इसने पलक झपकते ही मेरी सारी बीमारियाँ दूर कर दी। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हूँ मेरी बच्ची। तभी अचानक जादुई पटाखों के घर के अंदर से एक बड़ा सा रॉकेट निकलकर आसमान में चला जाता है। फिर रॉकेट के फटते ही उसके अंदर से ढेर सारे सोने के सिक्के जादुई पटाखों से बने घर की छत के ऊपर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते पूरी छत सोने के सिक्कों से भर जाती है। इस तरह से सपना दौलतमंद बन जाती है और खूब मजे से अपनी जिंदगी जीने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये बात बबीता को पता चलती है तो उसे सपना से बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है। ये सपना की बच्ची तो रातों रात अमीर बन गई। मुझसे इसकी ये खुशी देखी नहीं जा रही। मैं इसके जादुई पटाखों से बने घर को जलाकर राख कर दूंगी। फिर एक दिन बबीता बड़ी सी मशाल लेकर उस जादुई पटाखों के घर को जलाने वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन तभी अचानक जादुई पटाखों के घर के अंदर से एक बड़ा सा रॉकेट बाहर निकलकर आता है और बबीता को पकड़कर हवा में गोल गोल घुमाने लगता है। अरे मर गई रे, अरे कोई बचाओ मुझे, वरना ये रॉकेट मेरी जान ले लेगा। अरे कोई तो मेरी मदद करो। इस तरह से घबरा कर बबीता जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद रॉकेट सीधा बबीता के घर में पहुँच कर एक धमाके के साथ फट जाता है। देखते ही देखते बबीता के घर में आग लग जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी सारी संपत्ति जलकर राख हो जाती है। इस तरह से दोस्तों उसे उसके किए का फल मिल जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है दिवाली के जादू या नारबंद के जादू की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी। भरतपुर गांव में मानवी नाम की एक लड़की रहती थी। मानवी का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी का काम किया करते थे और बड़ी मुश्किलों से घर का खर्चा निकालते थे। दिवाली का त्योहार आने वाला था पर मानवी के माता पिता के पास एक भी जमा पूंजी और पैसे नहीं थे। एक दिन मानवी ने अपनी माँ से कहा, माँ दिवाली आने वाली है, आपने कहा था कि हम दिवाली की शॉपिंग करने जाएंगे। मेरे पास एक भी जोड़ी नए कपड़े नहीं है माँ, हम शॉपिंग करने कब जा रहे हैं माँ? हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मैंने कहा था। पर बेटी, क्या माँ आप भी पिताजी की तरह बहाने मारने लग गई हो? मुझे लगता है आप दोनों मुझे शॉपिंग कराना ही नहीं चाहते। आप चाहते हो
कि हर बार की तरह इस बार भी बच्चे दिवाली पर मेरा मजाक उड़ाएं, है ना? ऐसी बात नहीं है मेरी बच्ची, हम जल्दी शॉपिंग पर चलेंगे। इतना कहकर मानवी की माँ वहाँ से बाहर की ओर जाने लगती हैं। कई दिनों से मानवी के माता पिता को कोई भी काम नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मानवी की माँ ने सोच लिया था कि वो कहीं ना कहीं से रुपयों का इंतजाम जरूर करेंगी। इस तरह मानवी की माँ सोचते सोचते सड़क पार कर ही रही होती है कि तभी अचानक एक कार के आगे आ जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये खबर जब मानवी के पिता विक्रम को पड़ती है तो वो जल्दी से दौड़े दौड़े घर आते हैं। इस तरह कुछ दिन शोक में ही बीतते हैं। मानवी अभी सिर्फ 10 साल की ही थी, इसलिए उसकी अच्छी परवरिश करने के लिए उसके पिता ने एक नैना नाम की औरत के साथ दूसरी शादी कर ली। नैना का पहले से ही अपना एक बेटा था जिसका नाम आयुष था। आयुष अभी बहुत ही छोटा था। मानवी के पिता गांव में काम धंधे ना होने के कारण शहर काम के सिलसिले से चले जाते हैं। विक्रम के जाते ही नैना मानवी के साथ बुरा बर्ताव करने लगती है और उससे घर का सारा काम करवाती है और खुद अपने बेटे आयुष के पालन पोषण में लगी रहती है। आज पूरे गांव में दिवाली थी और सभी गांव वाले आपस में मिठाइयां बांट रहे होते हैं, लेकिन मानवी के यहाँ घर पर मानवी को सूखी रोटी खाना भी मुश्किल था। मानवी के पिताजी के जाने के बाद नैना ने मानवी को अपने घर की नौकरानी की तरह रख लिया था और वो उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती थी। जिस दिन उनके खाने के बाद एक रोटी बच जाती तो मानवी को मिल जाती, नहीं तो ज्यादातर उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। कुछ दिनों बाद मानवी के पिता का भी शहर में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण उनकी भी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। इसी तरह एक दिन रोते हुए मानवी अपने माता पिता की तस्वीर के आगे कहती है, माँ पिताजी, सौतेली माँ मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है, वो मुझे खाने को भी नहीं देती। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो तड़प तड़प कर मर ही जाऊंगी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। इस तरह मानवी अपने माता पिता की तस्वीर से कई सारी बातें करती है और बातें करते करते उसकी आंख लग जाती है। इसी तरह कई महीने निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद नैना की बहन का लड़का कैलाश नैना के घर आता है और कहता है, मौसी जी आप कैसी हो, घर में सब ठीक है ना? मैं आपके गांव से गुजर रहा था इसलिए सोचा कि आपका हाल चाल पूछता चलूं। क्या बताऊं, मानवी के पिताजी के चले जाने के बाद घर में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं। घर में कुछ खाने को भी नहीं है, जैसे तैसे बस गुजारा कर रही हूँ। और तो और वो मानवी को भी मेरे सहारे छोड़कर चले गए हैं। मैं अब और उसको इस घर में बैठे बैठे नहीं खिला सकती, इसकी वजह से मेरे छोटे से बेटे को भी भूखा रहना पड़ता है। कैलाश सोचता है क्यों ना वो मानवी को अपने साथ ले जाए और उसे अपनी फैक्ट्री में काम कराए। तभी कैलाश कहता है, मौसी जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मानवी को आप मुझे दे दो, मैं इसे अपने साथ काम पर रख लूँगा और इसके बदले इसे खाने के लिए दो वक्त का खाना भी दे दिया करूँगा। और मानवी जो काम करेगी उसके बदले में मैं आपको 8,000 रुपए महीने भिजवा भी दिया करूँगा, जिससे आपकी मदद भी हो जाएगी। नैना मानवी से छुटकारा पाने के लिए कैलाश को हाँ कह देती है और मानवी को देने के लिए तैयार हो जाती है। नैना मानवी को कमरे से बुलाकर झूठा दिलासा देकर उसे कैलाश के साथ भेज देती है। कैलाश मानवी को अपने साथ ले जाता है। शुरू में तो वो मानवी से कुछ भी नहीं करवाता और उसे खाने के लिए भी टाइम से अच्छा अच्छा खाना दे दिया करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कैलाश अब अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है और वो मानवी से अपनी फैक्ट्री में काम करवाने लगता है।
कैलाश की फैक्ट्री बहुत अच्छी चलती थी, जिस कारण वो दिन रात मानवी से काम करवाता और खाने के लिए भी सिर्फ एक वक्त का ही खाना देता। एक दिन मानवी काम करते करते बीमार पड़ जाती है और वो कैलाश से कहती है, मालिक आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मैं आज काम नहीं कर सकती, प्लीज आप मुझे दवा दिला दीजिए। कामचोर काम न करने का बहाना करती है, मुझे पता है कब क्या करना है और क्या नहीं करना, तो मुझे मत सिखा। तू पूरा दिन कुछ काम तो करती नहीं, बस अच्छा अच्छा खाने को मांगती रहती है। अगर तुझे अपना इलाज कराना है तो जंगल की ओर एक बूढ़ी नानी रहती हैं, तू उनसे जाकर जड़ी बूटियाँ ले और खा ले। मानवी जल्दी से दवा के लिए जंगल की ओर जाती है। जंगल में अंदर जाकर वहाँ उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है और वो झोपड़ी में दवाई लेने के लिए चली जाती है। झोपड़ी में एक बूढ़ी नानी बैठी होती है। मानवी उन नानी के पास जाती है और उनसे कहती है, नानी माँ मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्या आप मुझे दवा दे देंगी? डरो मत बच्ची, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, ये लो ये काढ़ा पी लो, इसको पीते ही तुम थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मानवी जल्दी से वो काढ़ा पी लेती है और नानी माँ उसके सर पर गीला कपड़ा रखती है। थोड़ी ही देर में मानवी को बुखार से आराम हो जाता है। ये देखकर मानवी नानी माँ को सर झुकाकर धन्यवाद करती है। नानी माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे पूरी तरह ठीक कर दिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। बेटा मेरा तो फर्ज है दूसरों का इलाज करना, लगता है तुम बहुत दुखी हो बेटा। हाँ नानी माँ, मैं पास की ही एक फैक्ट्री में काम करती हूँ, वहाँ पर मुझ पर बहुत जुल्म होता है, वो मुझसे पूरा दिन अपनी फैक्ट्री में काम करवाते हैं और खाने के लिए भी बस एक समय का ही खाना देते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म यह काम करने का दबाव नहीं डालेगा। ये लो मैं तुम्हें जादुई अनार बम देना चाहती हूँ, तुम इस जादुई अनार बम से जो भी मांगोगी ये तुम्हें वो सब कुछ देगा। पहले तुम इस अनार बम को एक खाली जगह पर लेकर जाना और इससे एक घर मांगना, फिर देखते ही देखते वहाँ पर एक सुंदर सा घर प्रकट हो जाएगा। उस जादुई घर में तुम्हें खाने पीने की सभी चीजें मिलेंगी और तो और वहाँ पर तुम्हें बहुत सारी धन दौलत भी मिलेगी और तुम्हें कभी भी अपने जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं होगी बेटा। धन्यवाद नानी माँ, जो आपने मुझे ये जादुई अनार बम दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद मानवी नानी माँ के कहे अनुसार एक खाली जगह पर उस जादुई अनार बम को लेकर जाती है और जादुई अनार बम से बोलती है, हे जादुई अनार बम, मुझे रहने के लिए एक सुंदर सा घर दे दीजिए। मानवी के इतना बोलते ही वहाँ पर एक बड़ा और सुंदर सा घर प्रकट हो जाता है और तभी जादुई अनार बम मानवी से कहता है, जाओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा इस जादुई घर में वेलकम है, तुम्हें इस घर में हर चीज की सुविधा प्राप्त होगी और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मानवी बिना समय बर्बाद किए उस जादुई घर में चली जाती है और देखती है कि वो घर तो अंदर से बहुत ही सुंदर है और खाने पीने की भी बहुत सारी चीजें रखी हैं, साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारी धन दौलत भी है। ये सब देखकर मानवी कहती है, अब मैं इसी जादुई घर में रहकर अपने सभी सपने पूरे करूंगी और कभी लौटकर वापस सौतेली माँ के पास नहीं जाऊंगी। इसके बाद मानवी उस जादुई घर में हंसी खुशी रहने लगती है और उसे अगर किसी भी चीज की कोई जरूरत होती तो वो जादुई अनार बम से मांग लिया करती थी। इस तरह मानवी
रोजाना गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती और अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से बिताने लगती है।